काफी मजा आएगा। तो देखो ये एक ही ब्रिज है वो डबल क्रॉसिंग पे है, मेरे सामने डब्ल्यू डी के थ्रू जा रहा है ऊपर के ट्रेन को, इधर हमारा हावड़ा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हावड़ा जंक्शन। तो देखिए हावड़ा एक्सप्रेस हमारी खड़ी हुई है दोस्तों ट्रैक 7 के रूप में, और देखिए हावड़ा एक्सप्रेस हमारी काफ़ी बेहतरीन लग रही है। और यहाँ से निकलने वाली निकलने से पहले दोस्तों प्लेटफॉर्म 3 से निकलने से पहले हम अभी हॉर्न देते हैं और ट्रेन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और अभी देखिए हमारी ट्रेन निकलने के लिए स्टार्ट हो गई है दोस्तों, और अभी कुछ ही देर में हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकल जाएगी। और देखिए यहाँ पर स्टेशन काफ़ी आपको प्यारा लग रहा होगा दोस्तों। हमारी ट्रेन देखो निकल गई है भाई, पैसेंजर्स भी बैठ गए हैं। हावड़ा एक्सप्रेस में देवर नितिन के रूप में आपका स्वागत है दोस्तों, देवर नितिन के चैनल में, और आप आई होप एंजॉय करेंगे। और देखो पेंटो हमारा लगा हुआ है, टैग लगा हुआ है, अभी हमारी निकल चुकी है हावड़ा स्टेशन से दोस्तों, और जो भी जाएगी पटना। तो दोस्तों अभी काफ़ी सारे यहाँ पर ट्रैक चेंजेस होंगे, आप वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, क्योंकि ग्रीन सिग्नल हमें मिल गया। और देखो बराबर में खड़ा हुआ है WDT3 जो इंजन डीजल इंजन है, जो कि चेन्नई एक्सप्रेस यहाँ पर खड़ी हुई है हावड़ा से चेन्नई जाने वाली गाड़ी। और हमारी जो गाड़ी है अभी देखिए ट्रैक चेंज कर रही है दोस्तों देखो, और अभी फिलहाल सर्कल हमारा क्रॉस होने वाला है और एक ब्रिज जा रहा है जिसको हम क्रॉस करेंगे दोस्तों अभी। और वीडियो में बने रहना है तक, जिसमें अभी आपको शताब्दी एक्सप्रेस वगैरह भी दिखेगी। और देखो भाई कितना मज़ा आ रहा है यार इस ट्रेन को चलाने में, साइड से देखो कुछ इस तरीके से आपको नज़ारा देखने को मिलता है। और देखिए भाई सामने एक ट्रेन है जो कि आप सभी देख लेना जा करके उस तरफ से। और देखो भाई ट्रेन ने सर्कल क्रॉस कर दिया है, देखो यार ड्रोन शॉट कितना प्यारा है। और हमारी ट्रेन की जो स्पीड है दोस्तों अभी 49 किलोमीटर की है, लेकिन हमें स्पीड लिमिट अभी 80 किलोमीटर की दे रखी है। और अभी हम डायरेक्शन को लेफ्ट में चेंज करते हैं दोस्तों, और जब हम लेफ्ट में चेंज करेंगे तभी हम अपनी जर्नी को कंप्लीट कर पाएंगे, अदरवाइज जर्नी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। और अभी हम देखिए हॉर्न देते हुए चलते हैं लगातार दोस्तों, बराबर से देखो एक शताब्दी एक्सप्रेस हमारी खड़ी हुई है बराबर में, जो कि हमारा वेट कर रही थी कि आगे ट्रैक था पीछे, और ये ट्रेन भी उसी ट्रैक पे जाएगी जिस वजह से ये वेट कर रही थी। अब हम निकल गए तो देखो वो ट्रेन भी स्टार्ट होके निकलना स्टार्ट हो गई है दोस्तों। और एक लाइक जरूर कर देना भाई वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे जर्नी लेकर आता रहूँ दोस्तों। देखो शताब्दी एक्सप्रेस निकल गई है, हमने क्रॉस कर दिया है। होप सो ये वाला गेम आपको ज़रूर पसंद आएगा दोस्तों, मैंने काफ़ी सर्चिंग करने के बाद इस गेम से अपनी वीडियो को बनाया है दोस्तों। अभी देखो रेड सिग्नल हमें मिल गया है, तो हमें ब्रेक एकदम लगाना पड़ेगा दोस्तों तुरंत, और आगे ट्रैक सिंगल है और एक ट्रेन क्रॉसिंग के लिए खड़ी हुई है। तो देखो हमने अभी ब्रेक लगा दिया है दोस्तों, और आगे हम देखते हैं अभी कौन सी ट्रेन भाई निकलने वाली है। और साइड से देखो आ रही है एक सुपर फास्ट ट्रेन जो कि पटना हावड़ा एक्सप्रेस है वो भी, और देखिए दोस्तों ये जा रहे हैं तुरंतो एक्सप्रेस है दोस्तों, सॉरी ये देखिए तुरंतो एक्सप्रेस है जो कि जा रही है। ये देखिए ये अभी प्लेटफॉर्म पर लगे साइड फोर से, तो यार कितना बेहतरीन लग रहा है और आपको भी अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। ट्रेन का जो हॉर्न है वो काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों, वो भी आपको पसंद आया होगा। और ये देखिए पीछे जाती हुई जर्नी कैसी लग रही है हमारी साइड से, ड्रोन शॉट काफ़ी बेहतरीन है, ग्रीन सिग्नल हमें मिला हुआ है दोस्तों। देखो ट्रेन हमारी निकल गई है और अभी एक पुलिया आने वाली है दोस्तों, जिसको हम क्रॉस करने वाले हैं, और पुलिया पे देखो ट्रेन चला के काफ़ी मज़ा आएगा आपको देखने में भी मजा आएगा। देखो हम क्रॉसिंग कर रहे हैं रिवर को, और स्पीड लिमिट अभी 4 ही कम कर लेते हैं दोस्तों, 83 की स्पीड लिमिट मेरी है अभी तो, लेकिन 110 की स्पीड लिमिट है, मैं 93-94 पर चला रहा हूँ उसको दोस्तों। देखिए लेफ्ट पे हमें ट्रैक को चेंज करना है, फिर थोड़ा सा स्पीड को हम स्लो भी कर सकते हैं यहाँ, लेकिन ट्रैक हमारा चेंज हो गया है और अभी हमारा स्टेशन आ गया है दोस्तों, नेक्स्ट स्टेशन
हाँ स्लो करना है हमें इस ट्रेन को, जिससे कि हम प्लेटफॉर्म पर रोक सकें, ट्रेन को और पैसेंजर्स को बिठा सकें दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट स्टेशन आ गया है, और ये देखिए दोस्तों हमारा स्टेशन आ चुका है। अब हम ट्रेन के डोर्स को ओपन करेंगे, लेकिन उससे पहले यार थोड़ी सी ट्रेन को मैं पैक कर लेता हूँ ताकि पैसेंजर्स भाई इजीली बैठ जाए। मैंने ट्रेन काफ़ी ज़्यादा आगे रोक दी है। कोई नहीं भाई, अभी मैं थोड़ी सी बैक कर लेता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है तो मैं इसको बैक कर लूँगा। और होप सो आप इस वीडियो में बने रहेंगे एंड तक, क्योंकि आपको ये जर्नी काफ़ी अच्छी लगेगी। अभी जो रेसिंग होगी हमारी, डबल क्रॉसिंग होगी ट्रेन, सिंगल ट्रेन डबल ट्रेन होगी, तो उसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको दोस्तों। और ये देखिए हमारी ट्रेन लग गई है दोस्तों अभी जंक्शन पे, और जो कि हम कुछ ही देर में यहाँ से निकलेंगे। और देखिए हमने इंजन को इस पॉइंट पे रोक दिया है दोस्तों। आगे हमारा देखो रेड सिग्नल हमें दिया हुआ है, शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि आगे सिग्नल फ्रेंड है, इसलिए इसमें हमारी ट्रेन को रोका गया है। जब वो ट्रेन क्रॉस कर जाएगी दोस्तों तो हम क्रॉस कर जाएंगे। और ठीक है, पैसेंजर बैठ गए हैं, काफ़ी पैसेंजर्स के बैठ गए। और भाई ये देखो कैमरा देखो यार, मतलब कितने बेस्ट हो रही है, 221 किलोमीटर पर दोस्तों, अभी 110 किलोमीटर की जर्नी हमारी। और ये देखिए हमारी स्पीड है अभी 44 किलोमीटर पर आवर की, 7:39, 40 मिनट हो गए हैं दोस्तों अभी। और नेक्स्ट स्टॉप जो है हमारा वो है 204 मीटर की दूरी पर। तो दोस्तों अभी फिलहाल हॉर्न लेके चलते हैं, और देखिए हमारा लेफ्ट पे हमें क्रॉस करना है इस ट्रेन को। देखो लेफ्ट हम प्रेस करके चल रहे हैं, हमारी ट्रेन क्रॉसिंग करेगी हम लेफ्ट तरफ को जा करके, दे देखो भाई। और यहाँ पर हमें येलो सिग्नल मिला हुआ है, तो आराम आराम से हम चलते रहेंगे दोस्तों। देखो इसकी वजह से काफ़ी मेरी ट्रेन कमेंट जरूर करना है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लाइक करेंगे और एक कमेंट करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा काफ़ी, और मैं आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर लाऊंगा देख के, जिसमें आपको काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों। देखो ये एक ही ब्रिज है, डबल क्रॉसिंग ट्रेन है, मेरे सामने डब्लू डी के थ्रू जा रहा है करके ट्रेन को। इधर हमारा हावड़ा एक्सप्रेस वैन है, हम लोग बोलती है कंपनी 180 किलोमीटर की स्पीड पर आप चल सकते हैं, लेकिन हम पूरे 150-140 तक ही जाते हैं। अब लेफ्ट क्रॉसिंग हमें करनी है दोस्तों, ताकि हम पटना वाले ट्रैक पर आ सकें। और देखिए हमारा पटना वाला ट्रैक ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है आ चुका है, और हम इस ट्रेन को कुछ ही देर के बाद रोकने वाले हैं दोस्तों। ये देखिए भाई क्रॉसिंग, और अगर देखिए भाई मालगाड़ी P7 लेके मालगाड़ी को चल रहा है भाई अपने अपने मजेदार की है, और हमारा स्टेशन आ चुका है दोस्तों। लाइक कर देना यार, अगर चैनल पे नहीं हो तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको और भी बेहतरीन जर्नी देखने को मिलती रहे दोस्तों।